नमस्कार सब मीडिया वासियों और अंडमान के द्वीप वासियों, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ के जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस और हमारे एमपी साहब है उनसे, और स्पेशली वार्ड नंबर 9 के काउंसलर से, क्योंकि मैं वहाँ से खारा हुआ प्रत्याशी हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों का जो प्रॉब्लम और जो भी असुविधाएँ हों उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ये मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जैसे हर जगह होता है कि एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और हर एक जगह में एक प्रश्न उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन अंडमान निकोबार की स्थिति ऐसी है अगर आप एमपी साहब से कोई प्रश्न पूछो तो एमपी साहब ये बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं लेटर लिख सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अंडमान में जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है तो यहाँ का चीफ सेक्रेटरी एक प्रधानमंत्री की तरह हो गए, एक डीसी हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक चीफ मिनिस्टर की तरह हो गए, तो हम उससे प्रश्न कर सकते हैं। एंड यहाँ में अगर ना एमपी साहब अकाउंटेबल है तो अकाउंटेबल कौन है? जो अकाउंटेबल है ही इज़ आंसरेबल ऑल्सो, क्योंकि अंडमान निकोबार इफ़ यू सी इट इज़ अंडर द यूनियन टेरिटरी एंड कंट्रोल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली विद द पावर गिवन टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दे आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। सो मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ ये एलिगेशंस नहीं हैं, कुछ प्रश्न हैं, और ये प्रश्न मैंने सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, कमिश्नर कम सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, डायरेक्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म और मिनिस्टर्स यूनियन मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न किया है ईमेल के द्वारा। तो मैं भी प्रश्न में जाता हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ITF 2023 एक्सपेक्टेड और प्लान्ड? ITF 2023 में कितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा, इसका क्या ब्यौरा है? प्रश्न नंबर दो, व्हाट इज द अमाउंट इन परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन आइलैंडर्स इंक्लूडिंग ऑल? यह मतलब है कि आप जो भी मान लीजिए आप 25 करोड़ ITF में खर्चा कर रहे हैं, उसमें से आइलैंडर के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? जैसे टेंट बनाने वाले आइलैंडर बना रहे हैं उसको कितना दे रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का जो डांस प्रोग्राम करेंगे उनको कितना जाएगा, और जॉन जो भागीदारी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको कितना परसेंटेज ऑफ पैसे अंडमान में ही खर्चे हो रहे हैं, ना कि मेनलैंड या बाहर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर थ्री, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड टेंडर अमाउंट फॉर हायरिंग द इवेंट मैनेजमेंट टीम? यह सुनने में आया है कि इवेंट मैनेजमेंट टीम को मेनलैंड से टेंडर द्वारा बुलाया गया है, तो इसका बारे में एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कितना है और एक्सेप्टेड टेंडर वैल्यू क्या है, और इसका हमें जो भी फिगर है उसका एक एक्सप्लेनेशन दे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई एप्लीकेशन फ्रॉम लोकल पार्टिसिपेशन इनवाइटेड जस्ट 2 वीक्स बिफोर द इवेंट? व्हाई नो इजियर मेथड अडॉप्टेड टू इन्वाइट द एप्लीकेशन लाइक गूगल फॉर्म्स और ईमेल्स एट्सेट्रा? अंडमान निकोबार आप जानते हैं ये डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक फैला हुआ है, और ये आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल जो हो रहा है ये सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे द्वीप समूह के लिए हो रहा है। और अगर आप 2 हफ्ते पहले एक एप्लीकेशन प्रेस नोटिस अंडमान डेली टेलीग्राम के द्वारा मंगाते हैं तो ये एप्लीकेशन कब तक डिगलीपुर पहुंचेगा? डिगलीपुर में न्यूज़पेपर आइलैंड पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन लगता है, निकोबार में पहुंचता ही नहीं है, बहुत से लोगों में घर तक पहुंचता नहीं है न्यूज़पेपर। तो ये ऐसे समय में और ऐसे सिचुएशन में जो लोकल एक ग्रुप है डिगलीपुर का, एक नाचने गाने का बच्चों का ग्रुप इवेंट बनाए, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इतना लेट क्यों किया गया, और लेट भी किया गया तो एक इजी, आजकल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो गूगल फॉर्म बहुत इजी तरीका, एक ईमेल आईडी क्यों नहीं दिया गया जिससे वो एप्लीकेशन पार्टिसिपेशन दे सके? और जो एप्लीकेशंस में ये दिया गया कि ओनली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई। अब मेरा ये प्रश्न है, जो आप लोग प्रोग्राम देखते होंगे टीवी में, इंडियन आइडल और सारेगामापा, ये सब में जो बच्चे और जो छोटे मोटे आर्टिस्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? अगर आप रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं तो अंडमान में मान लिया जाए कि 100 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे छोटे मोटे जो डांस करते हैं या शौक रखते हैं,
गाना गा और भी कुछ छोटा कल्चरल प्रोग्राम का, तो उसमें से कितने रजिस्टर्ड होंगे? और इसका रहने का प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे ख्याल से ये ओपन टू ऑल होना चाहिए, उसमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना चाहिए कि हाँ अगर वो क्वालिटी में आते हैं तो उसको लिया जाए, नहीं तो नहीं लिया जाए। वही नो टेंडरिंग प्रोसेस अडॉप्टेड टू हायर द लोकल आर्टिस्ट। मेलैन से जो आर्टिस्ट मंगाते हैं आप उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट टीम को हायर करते हैं, उसके लिए टेंडर करते हैं, और यहाँ से लोकल से जो आप बच्चों को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हो या इनवाइट करते हो उसके लिए कोई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होता, ऐसा क्यों? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाई अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लोकल आर्टिस्ट सिंस लास्ट ITF? अगर यह बात आएगा कि अंडमान निकोबार के जो आर्टिस्ट है उनका क्वालिटी कम है, मेनलैंड के बच्चों से कम है, इस मेलैंड का जो आर्टिस्ट ग्रुप है उससे कम है, इसलिए हम वहाँ का टेंडर करते हैं, अंडमान का टेंडर नहीं करते, तो इन दैट केस पिछला जो ITF हुआ था उससे लेकर आज तक आपने ऐसा क्या स्टेप्स किए हैं, मेलैंड से कोई एक्सपीरियंस ट्रेनर को मंगाए हैं या कोई भी ऐसा स्टेप किया जिससे अंडमान का जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है यहाँ के आर्टिस्ट का इम्प्रूवमेंट के लिए, ये भी बताएं। व्हाट वाई द आईलैंडर्स आर चार्ज सो हाई अमाउंट फॉर द स्टॉल्स इन ITF इंस्टेड ऑफ फ्री अलॉटमेंट? फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 rupees है ईच स्टॉल के लिए, और एक ग्रुप ऑफ स्टॉल 45,000 फॉर 10 days में दिया जा रहा है और 35,000 10 days में दूसरा दिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चंस है, सॉरी, अगर मान लीजिए आपको ये स्टॉल्स देकर 1,000,000 भी फायदा हो रहा है और आप 25 crore खर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये 1,000,000 rupees आप बियर नहीं कर सकते? और जहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्रा का लोन दे रही है विथआउट एनी कोलेट्रल और एनी डिपॉजिट या एनी सिक्योरिटी, वहाँ में क्या आप स्टॉल 30,000 की रुपीस मांग रहे हैं आप स्टॉल के लिए? क्या इतना हमारे पास पैसे की कमी है या हम अंडमान निकोबार के लोगों को जो आइलैंडर है उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप एक ITF में एक ये होता है कि अंडमान आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है टू ग्रो द पीपल ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पीपल को एक शोकेस और एक उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम देने का जरिया और दुनिया को दिखाने के लिए कि अंडमान इज़ ब्यूटीफुल, इनवाइट द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम टू वेल अंडमान। लेकिन ये कौन से कॉस्ट पे किया जा रहा है? अगर एक कोई भी एक गरीब या कोई बंदा एक स्टॉल लेना चाहे तो उसको 35,000 देना पड़ेगा रेंट एंड 45,000 रेंट एंड 30,000 डिपॉजिट, भले ये डिपॉजिट बाद में मिल जाएगा लेकिन बट दिस इज ए गुड बिग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, वोकल फॉर लोकल इज द मंत्रा गिवन बाई आवर प्राइम मिनिस्टर टू प्रमोट द लोकल प्रोडक्ट एंड लोकल आर्टिस्ट, बट द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रैक्टिसिंग टू एक्ट ऑन डिनाइल ऑफ दिस मंत्रा, प्लीज एक्सप्लेन। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आप ये लोकल वोकल फॉर लोकल में चल कर नहीं क्यों जा रहे हैं, दूसरा तरीका क्यों अपना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा लंबा है, विद द प्रॉब्लम्स लाइक क्लोजर ऑफ एयरपोर्ट, NH इन ए बैड शेप, वोपिंग प्राइस ऑफ एयर फेयर, बेटर प्राइस ऑफ पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का अंडमान से अच्छा प्राइस मिलता है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एंड पॉपुलर अमॉन्ग अदर आइलैंड्स, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल इन शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, प्रॉब्लम ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द बीचेस, COVID-19 अराउंड, वाट गिव्स यू सो कॉन्फिडेंट टू बूस्ट द टूरिज्म बाई द ITF? ये ITF टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए होता है, लेकिन आप अंडमान में देखिए आज जो प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स, क्रोकोडाइल का प्रॉब्लम, एयर फेयर का प्रॉब्लम, एयरपोर्ट क्लोजर का प्रॉब्लम, जो लाइट एंड साउंड शो 6 महीने से बंद है, जॉली बॉय बंद है, ये जो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक टूरिस्ट क्यों आएगा? और आपका इंडियन टूरिज्म आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में आप ऐसा क्या कर दोगे कि टूरिज्म बूस्ट हो जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हु इज़ द हाइएस्ट अप्रूवल अथॉरिटी टू अप्रूव द इवेंट ITF? एंड इज दिस इवेंट अप्रूव्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इवेंट ऑफ राइज ऑफ कोरोना अक्रॉस द वर्ल्ड? जब अक्रॉस द वर्ल्ड कोरोना बढ़ रहा है तो क्या ये आपको अप्रूवल मिला है? एंड लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन टूरिज्म यू एक्सपेक्ट इन 2023 कंपेयर्ड टू 2022 एंड कंपेयर्ड टू एवरेज इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट
इन आवर आइलैंड। मेरा ये लास्ट प्रश्न है, आप ITF कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ एम, कुछ गोल होता होगा, आपने कुछ गोल सेट किया होगा कि मेरा इनफ्लो, मान लीजिए एक साल का इनफ्लो होता है 500,000 टूरिस्ट आते हैं अंडमान में, तो एक आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल करने से कुछ 10% या 20% ग्रोथ होगा। तो ये आपको अंडमान निकोबार के पब्लिक को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ ITF 2023, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइज करने के बाद अंडमान में जो टूरिस्ट का इनफ्लो होगा वो किस हद से बढ़ेगा, और कितने पर जो टूरिस्ट से रिलेटेड बंदे हैं टूरिज्म से, उसका इनकम में क्या ग्रोथ होगा। थैंक यू। ये मेरा क्वेश्चंस था, एलिगेशंस नहीं था, और ये मेरा क्वेश्चंस अंडमान के MP और जो बाकी सीनियर मोस्ट लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ एवरी पार्टी है, कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्यों नहीं आया और ये क्वेश्चंस आप क्यों रेज नहीं किए। एंड अगेन माई दिस क्वेश्चंस अगेन स्पेशली टू द काउंसलर वार्ड नंबर 9, कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि आप पूछे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे आइलैंडर्स का ये हक है कि हमें अपना प्रश्न को किसी भी अथॉरिटी, भले LG हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या अंडमान निकोबार टूरिज्म, कोई भी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हो, रखने का पूरा हक है। धन्यवाद। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देखिए कोविड के दौरान अभी करीबन अभी जो है कोविड यहाँ पर इतना नहीं है, और अभी जो है यहाँ पर ITF अगर ITF ग्राउंड में होगी आइलैंड